हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपके घर के सभी मेंबर्स बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम रमेश संघ की सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए आ रहे हैं और आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, और उसके अंदर का जो टॉपिक होगा वो होगा एनिमल रियरिंग। दोस्तों, एनिमल रियरिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर एक इंसान समझे तो उसकी बात की गहराई पर हो जाएगा, तो उसका मतलब पता चलेगा इंडिया में एनिमल रियरिंग को लेकर क्या बात है। और दोस्तों, एक बात बताऊँ, इंडिया में एनिमल रियरिंग टॉप में आती है, वर्ल्ड में नंबर वन। अब क्या आती है वर्ल्ड में नंबर वन, ये क्लास के दरमियान मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। तो चलिए बात करते हैं एनिमल रियरिंग क्या होती है। तो दोस्तों, एनिमल रियरिंग का मतलब ये होता है, इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। देखो, टॉपिक तो ये रहा हमारा एनिमल रियरिंग, बट आपका एक छोटा सा बेस बनाऊंगा, इसके बाद हम इस बुक से पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। बेस कुछ ऐसा, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मान लो अभी आप 12th के बाद अभी आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो क्या आपके पास दो प्लान हैं? मतलब एक प्लान ए जो आप कर रहे हो और प्लान बी, अगर वो नहीं हुआ तो प्लान बी को करेंगे? बिल्कुल होगा। तो इसी तरह से एक इंसान जो होता है ना, वो कभी भी अपनी एक इनकम से अमीर नहीं बन सकता, उसको दो टाइप की इनकम की ज़रूरत होती है। एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो जो वो अपनी मेन काम से अर्न कर रहे हैं। लेट सपोज मैं एक जॉब करता हूँ, तो जब मैं जैसे आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो जब मैं सीए कर रहा हूँ तो मैं उसमें सीए फॉर्म मेरी अपनी है जिसका नाम है द्विवेदी एसोसिएट्स एंड कंपनी। तो वहाँ पर जब मैं अपनी अर्निंग करता हूँ वो मेरी क्या है, एक्टिव इनकम है, क्योंकि मेरा मेन काम सीए की सर्विसेज देना है। इसके बाद मैं अपने पैशन को फॉलो करता हूँ, दैट वॉज टीचिंग। तो जब मैं टीचिंग करता हूँ तो मुझे उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है। अब टीचिंग से भी मुझे अर्निंग हो जाती है, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो मुझे टीचिंग से भी इनकम हो जाती है, तो जो मेरी टीचिंग इनकम है वो एक्टिव इनकम नहीं है, वो मेरी पैसिव इनकम है। यानी हर इंसान को अपनी लाइफ में दो इनकम रखनी ही पड़ती है, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। जो लोग सिर्फ एक्टिव इनकम को रखते हैं उन्हें भविष्य में दिक्कत आती है, कल को जॉब छूट जाए, कुछ हो जाए, तो उनके पास कोई सहारा नहीं होता। इसलिए हमेशा दो इनकम रखनी ही पड़ती है। कि पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है, लेट सपोज मेरे पास 10 लाख रुपए, मैंने 10 लाख रुपए बैंक में डाल दिए, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, ये भी मेरी क्या है, पैसिव इनकम है। मैंने गोल्ड में पैसा लगा दिया, गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, ये मेरी कौन सी इनकम है, पैसिव इनकम है। जरूरी नहीं कि टीचिंग ही एक पैसिव इनकम हो। बहुत से प्रोफेसर ऐसे हैं जिनको पढ़ाना ही उनकी एक्टिव इनकम है, उसके साइड बाई साइड वो कुछ और काम करते हैं, मेरे लिए टीचिंग क्या है, पैसिव इनकम है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, ठीक है। तो यानी इसी तरह से जो भारत सरकार है वो चाहती है किसानों को भी एजुकेट करना। किसानों से वो ये बोलते हैं कि आप जो है हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट हो, किसान हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे ज़रूरी पार्ट है। हम किसानों को एजुकेट करते हैं कि देखो, आप सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड मत रहो, आपको एग्रीकल्चर के अलावा भी कई सेक्टर्स ऐसे रखने चाहिए जहाँ से आपको पैसे इनकम होती रहे। कल को अगर एग्रीकल्चर फार्मिंग आपकी लॉस में चली जाती है, मान लो मानसून नहीं आया, आया तो इतनी हैवी रेनफॉल होगी कि आपकी फसल बर्बाद होगी, तो ऐसे में आपके पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जहाँ से आप अपनी लाइवलीहुड को रन कर सको, अपने बच्चे पढ़ा सको, अपने बच्चों को वो सारी सुख सुविधाएं दे पाओ जो उनको जन्मसिद्ध अधिकार है। आप बात समझो, यही फोकस करते हुए हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ इंडिया में, दैट वॉज कॉल्ड एनिमल रियरिंग। एनिमल रियरिंग का मतलब है, अभी हम क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड मत रहो, आप एनिमल हस्बेंड्री करना शुरू करो, एनिमल को हस्बैंड बना लो। अरे नहीं नहीं नहीं, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कि आप पशुपालन करना शुरू करो, उनसे दूध निकालो कैटल्स वगैरह से, उस दूध को बेचो, फिर जैसे फिशेज होते हैं फिशेज को सेल कर दो मार्केट के अंदर। इस टाइप का भी कॉन्सेप्ट आप अपने पास रखो कि कल को फार्मिंग में अगर कुछ ना हो पाए तो यहां से भी आपका एक अर्निंग सोर्स बना रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एनिमल रियरिंग। दोस्तों, अगर मैं सीधा इस बुक से पढ़ाऊंगा ये टॉपिक तो आपको उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, इसके लिए मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए, आप उन शॉर्ट नोट्स पर ध्यान दो, ठीक है। पहले इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ेंगे फिर हम उसमें से पढ़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट कुछ ये हमारे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दोस्तों, आपको याद होगा मैं इससे पहले कभी किसी चैप्टर अंदर भी ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं, बट आज फिर पढ़ा, क्योंकि यहां से हमारा मेन टॉपिक बनना है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ अगर एक ही चीज पर फोकस करोगे तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्की पॉइंट हो जाएगा। ग्रेटर रिस्क होता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग कर रहे हो, तो अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए आपको दूसरा सोर्स ऑफ इनकम रखना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट। इससे आपकी जो इनकम है वो हाई हो जाती है और आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो फार्मर्स को बोला गया आप डाइवर्सिफिकेशन करो। आप क्या करो, पहला काम तो आप क्रॉप प्रोडक्शन करो, और क्रॉप भी सिर्फ आप एक ही चीज़ मत उगाओ, आप रोटेशनल चीज़ें उगाओ। रोटेशन मतलब कि आप एक साल गेहूं उगाओ तो एक साल चावल उगाओ, धान की खेती करो, इसे क्रॉप रोटेशन बना रहेगा तो आपको क्रॉप में अच्छी खासी इनकम होगी। दूसरा उन्होंने कहा, इसके अलावा भी आप कुछ काम करो, आप एनिमल हस्बेंड्री करो, एनिमल को हस्बैंड बना लो, वाइफ बना लो। अरे नहीं नहीं, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कि आप पशुपालन करो, आप उनसे दूध निकाल के दूध बेचो, डेयरी करो, फिशिंग आप जानते हो केरला के लोग, कर्नाटक के लोग, वेस्ट बंगाल जो तटीय इलाके, इनमें फिशिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा की जाती है। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है
कि आप जो फ्रूट्स होते हैं उनका प्रोडक्शन करो, आम हो गया, केला हो गया, पाइनएप्पल हो गया, इनका प्रोडक्शन करो। इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर ध्यान मत दो, उसके अलावा भी आप प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करते रहो, तो इससे क्या होगी आपकी साइड बाई साइड इनकम होगी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कल को एग्रीकल्चर में लॉस भी हो जाता है तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आप अपना सर्वाइवल कर सकते हो। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसी चीज़ को हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, एनिमल रियरिंग, कि आप अपने पास पैसे के लिए एनिमल पर भी डिपेंड रहो। तो वही बात यहाँ लिखे हुए कि हमारे इकोनॉमी के अंदर जो एनिमल है वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, एक वाइटल रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए हम सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं बल्कि एनिमल हस्बेंड्री पर भी डिपेंड रहते हैं। अब एनिमल रियरिंग में क्या क्या आते हैं, जैसे आपके काउज हो गया, कैमल्स हो गया, बफेलो हो गया, गॉट हो गया, पिग्स, शिप्स, शिप वगैरह होते हैं, इन पर डिपेंड रहते हैं क्योंकि इनसे अच्छा खासा पैसा कमाने का जरिया मिल जाता है। दोस्तों अभी मैं पॉइंट से भटक रहा हूँ, एक मिनट के लिए मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊँ। जैसे हम रहते हैं तो दिल्ली में, लेकिन हमारा अगर हम ओरिजिन पॉइंट की बात करें तो हम यूपी से बिलोंग करते हैं, और यूपी में भी कहाँ, आपने कन्नौज नाम सुना होगा, कन्नौज, लखनऊ वगैरह, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं ज़्यादातर। तो जब मैं अपने गाँव जाता हूँ, ठीक है, तो मैं अपने गाँव में खुद देखता हूँ कि जैसे हमारे गाँव में एक बहुत बड़ी फैमिली, हमारी उसी फैमिली में एक पर्सन ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपने पास अमूल डेयरी खोल रखी है। अब आपको सर अमूल डेयरी उनकी थोड़ी है, हाँ उनकी नहीं है, बट क्या करते हैं वो, उन्होंने एक बहुत बड़ा फार्म खोल रखा है जिसके अंदर उन्होंने पूरे गांव वालों को बुला हुआ है, जिनके पास भी बकरी है, भैंस है, गाय है, इन तीन चीज़ों का दूध निकाल के हमारे पास ले आओ, सुबह सुबह ले आओ, ठीक है। सुबह 6 बजे का टाइम होता है गाँव में, तो लोग 4 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे तो दोपहर हो जाती है समझो, तो 6 बजे तक दूध लेकर आ जाओ और उस दूध को हम खरीद लेंगे, जितना दूध ला सकते हो पूरे गाँव को बोल दिया जाता है। अब आप कहोगे सर इतना सारा दूध इकट्ठा कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल, आप कहोगे सर हम तो दूध में पानी मिला लेंगे, तो क्या होता है ना, उनके पास एक मशीन होती है, वो मशीन जैसे अपने बड़े बड़े जनरेटर देखे ना, उतने बड़े होते हैं वो, तो वो मशीन में क्या होता है, एक जो भी आप दूध लाए उसमें से एक सैंपल लेते हैं, छोटा सा सैंपल लेते हैं, आप मान के चलो एक छोटा आधा ग्लास, एक कप समझो, एक कप से भी कम, वो सैंपल उसमें से लेते हैं और उस मशीन के अंदर डुबो देते हैं। वो मशीन इतनी अच्छी होती है, वो कैलकुलेट करके बता देती है इसमें कितना प्रोटीन है, कितना इसमें पानी मिलाया है और कितना है, उसके हिसाब से वो पर लीटर वैल्यू करके दे देती है। मतलब जिस इंसान ने पानी नहीं मिलाया है और उसकी भैंस अच्छी है, तो ऐसे में उसका जो यूनिट रेट होगा, पर लीटर रेट होगा, वो ज़्यादा होगा। जिसने पानी मिलाया वो अल्टीमेटली मशीन बता देगी कि इसमें प्रोटीन की मात्रा कम है, इसलिए जो पर लीटर रेट है वो क्या कर दो, कम कर दो। तो ऐसे में कोई पानी मिलाता ही नहीं क्योंकि उसे अच्छा खासा रेट लेना होता है। तो ऐसे करके वो क्या करते हैं, हर दिन अराउंड 5 से 10 हज़ार लीटर दूध इकट्ठा कर लेते हैं एक दिन के अंदर, और फिर शाम को एक अमूल की गाड़ी आती है उसी गांव में, और वो अमूल की गाड़ी पूरा का पूरा दूध वहां से ले लेती है ट्रक्स के थ्रू, और वो चलाता है प्लांट पे, और अगले दिन वही पैकेटों में पैक होकर हमें दे दिया जाता है। ये इतना अच्छा है कि वहाँ पे जो किसान लोग हैं उन्होंने इस कंसेप्ट को अपनाना शुरू कर दिया। अभी बात कहूँ, अब किसान को बताया अगर वो फार्मिंग ढंग से नहीं कर पाएगा तो एटलीस्ट जो उसके पास कैटल से उनका दूध निकाल के वो उस व्यक्ति को सेल कराएगा और बाद में वो अमूल के पास चला जाएगा। तो बताओ ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है या नहीं है, बिल्कुल, वो उनकी पैसिव इनकम सोर्स है। यही चीज़ हमारी इंडिया के अगर हर इंसान कर ले, जैसे गुजरात में अमूल प्लांट है, इसी तरह बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, अगर आप इनमें यूज़ करो, मतलब आपको थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए, बाकी आपके बहुत सारी चीजें सरकार ने बनाई हुई है, ठीक है। अब क्या है, क्या वाइटल फंक्शन प्ले करती है, देखो अगर आप अपने पास पैसिव इनकम रखते हो तो ये आपको क्या करते हैं, फैमिली में इनकम सपोर्ट के लिए काम आता है। ये क्या होता है आपका, जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती है, वो इससे भी अपनी जरिया, कमाई का जरिया ढूंढ सकते हैं। इससे क्या होता है, जो चीप न्यूट्रिशन फूड होता है वो आपको अवेलेबल हो जाता है। ये आपको एक इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब आपको सर इंश्योरेंस कैसे प्रोवाइड कराता है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, आपके लॉस को इंडेमनीफाई करने का काम होता है। इंडेमनीफाई मतलब क्षतिपूर्ति करना। भाई अगर मैंने फायर इंश्योरेंस कराया, कल को गाड़ी में आग लग जाती है, तो गाड़ी में आग लगने से जो नुकसान हुआ है उसकी मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्या कर देती है, भरपाई कर दे। प्रॉफिट नहीं होता लेकिन जो लॉस हुआ वो रिकवर हो जाता है। अब फार्मिंग में भी ऐसी होता है, अगर मान लो आप कैटल्स वगैरह करते हो, डेयरी फार्मिंग करते हो, तो ऐसे में अगर कल को आपकी क्रॉप बेकार हो जाती है तो अल्टीमेटली दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है। तो इस तरह से आपने इंश्योरेंस करवा लिया अपना, ये होता है। तो इसमें इंश्योरेंस सेक्टर हो जाता है, इंक्लूसिव इन नेचर होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी होती है, और ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का काम करती है। क्योंकि जिन लोगों के पास कैटल होता है वो अपने गोबर से क्या करते हैं, खाद बनाने का काम करते हैं, उपले बनाने का काम करते हैं। तो ये एक ही चीज़ कई तरीके से काम आती है, बायोगैस बनाने में काम आती है, अगर हम गोबर गैस वगैरह होती है ना, वो सारी चीज़ें। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं। सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप अपने लाइव स्टॉक की बात करो, पहले मैं बता दूं लाइव स्टॉक का मतलब होता है जो एनिमल्स होते हैं उनको लाइव स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। स्टॉक मतलब संपत्ति, लाइव मतलब जिंदा संपत्ति, जैसे हमारे भैंसे हो गए, गाय हो गए, पिग्स हो गए, शिप्स हो गए, ये सारी चीजें।
कहा गया कि हमारे यहाँ पर अगर हम लाइव स्टॉक का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो 4.5% का इंक्रीमेंट देखा जाता है, और ये इंक्रीमेंट हमारे फूड ग्रेन से भी ज़्यादा है। दूसरा, अगर हम लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन देखिए आज की डेट में, तो 30% टोटल एग्रीकल्चर का लाइव स्टॉक के थ्रू हम अर्निंग करते हैं। अगर हम मीट प्रोडक्शन की बात करें तो इससे हमें 5.7 की ग्रोथ रेट देखने को मिली है, यानी 7 मिलियन टन हम मीट का प्रोडक्शन करते हैं एवरी ईयर। ठीक है, डेयरी सेक्टर की अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि डेयरी सेक्टर पर फोकस करना चाहिए, वही लिखा हुआ। अब डेयरी सेक्टर के बारे में बताता हूँ दोस्तों, डेयरी सेक्टर के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आगे जाके। जानते हो इस डेयरी सेक्टर को क्या बोलते हैं? प्लीज़ अपनी बुकों में लिख लो, वाइट रेवोल्यूशन। सर व्हाइट रेवोल्यूशन, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन सुना था, व्हाइट रेवोल्यूशन थोड़ी सुना है, ये तो आप गलत बता रहे हो। अरे नहीं नहीं दोस्तों, 1970 में हमारे यहाँ पर व्हाइट रेवोल्यूशन आया था। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए था, व्हाइट रेवोल्यूशन डेयरी वालों के लिए था। व्हाइट का मतलब क्या होता है? सफ़ेद। सफ़ेद क्या होता है? दूध। हमारी इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा कैटल्स हैं, इतनी ज़्यादा काउज हैं, इतनी ज़्यादा बफेलाउज हैं कि हम उनसे दूध निकाल के उनका एक्सपोर्ट करते हैं, और वर्ल्ड में 195 कंट्रीज हैं और इंडिया नंबर वन पे आता है। मतलब कुछ चीज़ों में गर्व होता है ये पढ़ाते हुए और ये बताते हुए कि हमारी इंडिया नंबर वन रैंक पे आती है। हमारे यहाँ पर देखो, जैसे इंसान लोग है ना, खूब बच्चे पैदा करने में आ गए, ठीक है, इसी तरह जानवर भी हैं। इतने सारे जानवर हमारे पास हैं, मतलब इंसान के रूप में भी और जानवर के रूप में भी, उनका दूध निकाल निकाल के हम क्या करते हैं? बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। और डेयरी फार्मिंग के अंदर इंडिया की फर्स्ट रैंक आती है वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन। हम खुद के लिए भी कर लेते हैं और बाहर एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। इतना बता, कितना दूध चाहिए? कहते ना वो डायलॉग, माँ का दूध पिया तो मेरे सामने। तो ये कुछ ऐसे ही है, बोलो क्लियर हुआ? ओके, अब बात करते हैं, हमारे यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए प्रोग्राम बनाया, ये कहलाता है व्हाइट रेवोल्यूशन, कि अचानक से दूध की क्रांति आ गई। तो ये क्रांति कैसे आई? तो डेयरी के लिए गवर्नमेंट ने प्लान्स बनाए। कौन कौन से प्लान है? ये चार प्लान है, एक इंटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक स्ट्रेटनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्वालिटी एंड क्लीन मिल्क प्रोडक्शन असिस्टेंट टू कोऑपरेटिव, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मतलब जैसे रिप्रोडक्शन प्रोसेस से एक नई अच्छी ब्रीड बनाना जो अच्छे से दूध वगैरह दे पाए। ये चार प्रोग्राम बनाए जिनसे कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के अंदर 1970 के अंदर एक वाइट रेवोल्यूशन आई, और वो आज भी है। मैं ये नहीं कह रहा उसी टाइम आया था, ये आज भी हमने इसको मेंटेन करके रखा हुआ। वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी के अंदर हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, वर्ल्ड में नंबर वन पायदान पर आते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करें, हमारे यहाँ पर जैसे बहुत सारी स्कीम है, जैसे एक स्कीम है नेशनल डेयरी प्लान। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने यहाँ पर एनिमल्स के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करो, मतलब एनिमल के खान पान पर ध्यान रखो जिससे वो अच्छा अच्छा दूध दे पाए, उनकी क्वालिटी अच्छी हो। अगर हम बात करें विलेजेस में, तो हम चाहते हैं कि जो मिल्क की प्रोक्योरमेंट है उसको बढ़ाया जा सके, ग्रेटर एक्सेस दिया जा सके। अब डेयरी फार्मिंग की बात करें, अब डेयरी के लिए जो दूध आएगा वो शहरों से थोड़ी आएगा भाई, इसके लिए तो गाँव में जाना पड़ेगा। अब गाँव में जाएंगे तो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए, तो गवर्नमेंट भी अगर इनिशिएट दिखाएगी तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं फार्मर्स की पैसिव इनकम पर फोकस करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि 2019-20 में, यानी लॉकडाउन से पहले, मतलब कोरोना वायरस से जस्ट पहले, गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की थी, एक आयोग बनाया था जिसका नाम है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। याद कर लो, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। ये आयोग क्या बोलती है? ये आयोग कहती है कि हम काउज की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, हम डेयरी फार्मिंग एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे, ये इस पर फोकस करती है, जिसके थ्रू कई सारे प्लान्स बनाए गए हैं। ठीक है, अभी हमें एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पिग रियरिंग स्कीम। अच्छा, पिग रियरिंग स्कीम क्या, इससे पढ़ने की जरूरत है, मैं जस्ट आपको हिंट दे देता हूँ। पिग रियरिंग स्कीम का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं हमारे यहाँ पे जो इंसान के रूप में पाए जाते हैं, जो पिग को खाने का काम करते हैं, सुअर को, मतलब पता नहीं कैसे खा लेते। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, बट खाने वालों को अच्छा लगता है, चलो कोई बात नहीं, मैं उनके लिए कुछ ऐसा वैसा बोलूँगा नहीं, बट जस्ट एक एग्जांपल मैं दे रहा था कि लोग ऐसे भी हमारे देश में जो पिग खाते हैं। तो कोई बात नहीं, पिग खाते तो क्या हुआ, पिग नदी नालों में रहते हैं, वहाँ से पकड़ के लाएंगे, उनको काट काट के बेचेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, हमारे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सुअरों की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, और क्या होगा। ठीक है, लेकिन हम भी तेज उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस करा के खूब सारे सुअर को पैदा करवाएंगे, फिर हम उनको बेचेंगे। अब सुअर से दूध तो निकलता नहीं है, उनका तो मीट ही बेचा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इसको बोला जाता है पिग रियरिंग स्कीम। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे नॉर्दर्न ईस्टर्न इलाके हैं भारत में, उन जगहों पर पिग का बहुत सेल किया जाता है, बहुत ज़्यादा दबा के सेल होती हैं पिग्स, लोगों को पसंद है वहाँ पे पिग खाना। बात करते हैं एनिमल हेल्थ की। अच्छा, एक बात बताओ, हम सिर्फ एक ही तरफा चीज़ों को सोचते रहेंगे, एनिमल 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 से खूब पैसा कमाएंगे, एनिमल की हेल्थ का कौन ध्यान रखेगा भाई, उनसे दूध निकलवा रहे। अब एक बात है, हम लाइफ में एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, अगर मैं सच बताऊं तो, थोड़ा टॉपिक से भटक रहा हूं, लेकिन क्या करूं, बताना भी ज़रूरी है। आप जानते हो जो दूध हम पीते हैं, मान लो जैसे भैंस का पीते हैं, गाय का पीते हैं, उसका रियल हकदार कौन है? रियल हकदार है उसका बछड़ा, उसका बेबी। ये दूध कब निकाला जाता है? ये दूध
साल में 12 महीने नहीं होता है, ये उस टाइम दूध कोई भी जानवर दूध तब देता है जब उसका कोई बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा होने के बाद जेनेटिक होता है कि उसमें से दूध निकलेगा कुछ टाइम के लिए, और वो दूध बेसिकली अपने बेबी के लिए होता है, ठीक है। अब वो बेबी ना पीकर हम लोग पीना स्टार्ट कर देते हैं, बाल्टियों में निकालते हैं, बेबी को थोड़ा सा पिलाते हैं, 5 मिनट पीता है, उसे तुरंत पीछे कर देते हैं और हम लोग उसको बाल्टी में भर भर के फिर बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन रियल हकदार उसका खुद का बेबी है, जो नहीं पी पाता हम लोग पी लेते हैं। तो सोचो ऐसे महान मतलब जानवरों के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उनकी हेल्थ का कम से कम एटलीस्ट ख्याल रखो। वही लिखा हुआ एनिमल हेल्थ, हम चाहते हैं कि अगर हम पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो हमें अपनी लाइव स्टॉक के इंप्रूवमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम पर ध्यान देना पड़ेगा। क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम इंडिया में अभी हाल ही में चला है। इसमें क्या होता है, एक अच्छा बच्चा पैदा हो इसके लिए माँ और बाप दोनों का अच्छा होना ज़रूरी है, यानी जो हमारे यहाँ पर मेल का हो या मेल बफेलो है और जो फीमेल का हो या फीमेल बफेलो है, वो अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी तो एक अच्छा बेबी पैदा होगा और उससे क्या होगा, दूध अच्छा निकलेगा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, ब्रीडिंग पर ध्यान दे रही है, नई नई ब्रीड्स पैदा करने पर फोकस कर रही है जिससे कि हमें एक नई चीज़ देखने को मिले। और कहते हैं कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो मोर्टैलिटी रेट है, ठीक है, वो अच्छी हो जाए, मतलब ऐसा ना हो कि जो गाय भैंस से बच्चा देने का तुरंत मर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एनिमल की हेल्थ के ऊपर भी गवर्नमेंट क्या करती है, खूब सारे खर्चे करती है। अब कुछ जैसे हम बात करें, जो हमारे पास लाइव स्टॉक है इनको डिजीज को कंट्रोल करने के लिए कई सारे हमने कमिटीज़ बनाई हुई कि इनकी डिजीज को स्टॉप किया जा सके। इसके लिए कुछ सजेशन दिए उन्होंने, क्या सजेशन दिए कि भाई ऐसा है कि जो सीमन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अच्छा ये प्रोग्राम क्या, देखो थोड़ा सा टॉपिक से आउट ऑफ टॉपिक जाना पड़ेगा बट समझाने के लिए करना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं लेना, जस्ट पॉजिटिव, क्योंकि हम पढ़ाई के काम कर रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं। देखो क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है ये ज़रूरी नहीं कि मैनुअल तरीके से जैसे होनी चाहिए, ये आर्टिफिशियल तरीके से भी हो सकती है, सीमन निकाल के उसको किसी और में इंजेक्ट करके भी हम बच्चे पैदा करवा सकते हैं। ये प्रोग्राम के तहत क्या होता है कि जो अगर दूर भी कहीं रह रहा होता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि लाइव स्टॉक को वहाँ लेकर जाया जाए, ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ें आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एक्सपेंशन किया जा रहा है अवेलेबिलिटी थ्रू इनोवेटिव मीन्स, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, हम एनिमल की जो फर्टिलिटी रेट है उसको बढ़ा रहे हैं, अगर हम हेल्थ केयर पर अच्छा खासा खर्चा करेंगे। तो कुल मिला के आपको ये समझ आया कि एक फार्मर को सिर्फ और सिर्फ अपने एग्रीकल्चर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे अपने एनिमल पर भी ध्यान देना चाहिए जिससे उसकी पैसिव इनकम भी बनी रहे। बताओ ये टॉपिक क्लियर हुआ। बस आज की क्लास में यही हमारा टॉपिक था जो हमने कंप्लीट कर लिया। मतलब देखो मैं आपको टॉपिक की पूरी गहराई पर लेकर जा रहा हूँ, इसके बाद आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा रहेगा तो आप आसानी से बता दो, ठीक है। ये आपका एनिमल रियरिंग, ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, बोलो क्लियर है। कोई डाउट है तो आप हमसे इंस्टाग्राम आईडी पे भी जुड़ सकते हो, आप हमसे फेसबुक पे जुड़ सकते हो, सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो गाइस आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।